भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज बात होगी मेवात के युवाओं की, मेवात के उन नेताओं की जो लगातार अपने आप को किसान हितेशी बताते हैं, लेकिन शर्मिंदगी वाली बात यह है कि अभी तक बहुत सारे अभी नेता ऐसे हैं जो अपने घरों में हैं, जो अभी तक ना तो सुनहरा बॉर्डर पहुंचे हैं और ना ही शाहजहां बॉर्डर, क्योंकि लगातार अन्नदाताओं के ऊपर किस तरीके से शोषण हो रहा है, किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। लेकिन बड़े गैरत और हैरत की बात यह है कि अभी तक हम लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। अगर इसी तरीके से रहा तो फिर मेवातियों के जमीर की अगर बातें की जाएं तो ये आसानी से कहा जा सकता है कि मेवातियों का जमीर पूरी तरीके से मर चुका है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी मेवाती शाहजहांपुर बॉर्डर पर और सुनहरा बॉर्डर पर जाकर के किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने आप में गर्व वाली बात है, क्योंकि हमारे न जाने ऐसे कितने नेता हैं, न जाने ऐसे कितने समाजसेवी हैं जो लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तभी से ये लोग बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, चाहे इन्हें पुलिस की लाठियां खानी पड़े या फिर कड़कड़ाती ठंड में अपनी रातें व्यतीत करनी पड़े। यही नहीं, एक सबसे बड़ी गंगा जमुना तहजीब की जो बातें हैं वो ये है कि बहुत सारे मेवात के जो समाजसेवी लोग हैं या फिर जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं वो शाहजहांपुर बॉर्डर जा रहे हैं, सुनहरा बॉर्डर जा रहे हैं और वहां पर जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे खाने की बातें हो या फिर वहां पर पुख्ता इंतजामों की बातें हो। अब उन्हें इस बात का भय नहीं है कि पुलिस उनके ऊपर लाठियां बरसाएगी, उन्हें इस बात का भय नहीं है कि वो आने वाले समय में इस कड़कड़ाती ठंड की वजह से बीमार हो सकते हैं। बस उन्हें ये पता है कि ये आज हमारी लड़ाई है, एक अन्नदाता की लड़ाई है और वो इसमें लगातार जुटे हुए हैं। हमारे अगर मेवात के युवाओं की बातें करें वो ज़्यादातर मशगूल हैं सोशल मीडिया पर एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में। भाई क्या मिल रहा है ऐसे में? अगर आपको कुछ अपने आप को साबित करना है या फिर आपको इस आंदोलन की भागीदारी निभानी है तो आइए और इन किसानों के साथ लड़िए जो किसान आजकल बॉर्डरों पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। खैर, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे समाजसेवी हैं जो कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर गए हुए हैं, वहां पर खाने पीने के इंतज़ाम कर रहे हैं, उन्होंने अपना डेरा वहां पर डाला हुआ है, लगातार किसानों से कंधा मिलाकर के वो लोग वहां पर डटे हुए हैं। लेकिन जो यूथ ये कहती है कि हम लोग अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज वो शांत बैठे हुए हैं, इस बात में अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम लोग सोशल मीडिया पर या फिर अगर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पर स्टेजों पर जाकर के बड़े बड़े भाषण तो दे देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है आपकी जरूरत की तो आप वहां पर चुप हो जाते हैं, आप वहां पर पीठ दिखा करके भागने लगते हैं। अब ऐसे में आप लोगों से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? आप लोग मशगूल हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से अपील है कि आइए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। जितनी ज़्यादा भागीदारी आपकी बढ़ेगी उतना ज़्यादा दबाव सरकार पर रहेगा, और अगर आप अभी नहीं जगे तो फिर आप कहीं नहीं जग सकते, क्योंकि अगर आने वाले समय में इस तरीके की न जाने कितनी स्थितियाँ पैदा होंगी अगर इसी तरीके से आप लोग सोए रहे थे। वैसे उम्मीद ये रहेगी कि आप लोग जागेंगे, उठेंगे, लड़ेंगे और उन किसानों का साथ देंगे जो बॉर्डर पर लगातार लगे हुए हैं, डटे हुए हैं।